नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज पहाड़ी क्षेत्र में इस तरफ आया हुआ हूँ। ये जो गांव है, यहाँ पर नीचे की तरफ खाबा, खाविया और कुलधड़ा, डेढ़ा, जाजिया, इस तरफ अगर मैं थोड़ा सा जूम अगर करके प्रयास करूँ दिखाने का, तो यहाँ सामने सूरज है, तो वहाँ पर खाबा फोर्ट है। तो दोस्तों, खाबा फोर्ट, उसके बाद बिल्कुल उसके सामने पुरानी आबादी, और उसके बाद फिर आबाद हुए गांव की कुछ आबादी चित्र यहां से नज़र आ रही है। और खाबा गांव, खाबा फोर्ट, खाबा गांव, उसके बाद में यहां जब हम आते हैं तो यह खाबिया है। और इस खाबा और खाबिया के बीच में बहुत बड़ा खड़ीन है दोस्तों। यहां ये जो खाबा फोर्ट है, इसकी तलहटी के पास गाँव से पानी भरा हुआ रहता है और बहुत लंबी दूरी तक यह पानी भरा हुआ रहता है। और उसी के साथ यहाँ के खड़ीनों में गेहूँ, चना, सरसों की बिजाई होती है। चूँकि इस बार खड़ीन में अभी भी पानी भरा हुआ है, तो काफ़ी जगह पर बुआई नहीं हो पाई है। तो शायद हो सकता है आगे की कोई फसल के लिए वह पानी रिजर्व रख छोड़ा हो। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ थोड़ा सा नज़र दौड़ाएँ तो इस तरफ गेहूँ और चने की बहुत बढ़िया खेती हो रखी है। तो मैं पहाड़ी क्षेत्र में आया था। यहाँ पर जो पानी बरसातों का आता है, उसको किस तरह से संजो करके रखा जाता है, इसका मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। लेकिन इस बार यह खड़ीन खाली नहीं हुआ, बस मैं वही नज़ारा देख रहा था। मैं बहुत दूर हूँ दोस्तों, नवडूंगर मंदिर की पहाड़ी पर, और इस तरफ भी एक गैर आबाद ग्राम अगर आपको नज़र आए तो उसको कहते हैं नबिया। मित्रों, यह पालीवालान ब्राह्मणों का ग्राम है, गैर आबाद है अभी। और उसके साथ ही इस तरफ अगर हम आए तो सिपला है, और यह खूड़ी की तरफ रोड जाती है, और यहाँ एक सरकार ने एनीकट बनाया है, उसमें पानी है, बहुत अच्छा है। इसमें साल भर पानी रह जाता है, इस बार पानी कम क्यों है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आज यहाँ इस पहाड़ी की तरफ, और मैं यही आपको एनीकट दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, मुझे दें इजाज़त, मैं सुरेश कुमार हर्ष, नवडूंगर पहाड़ी से। जय हिंद, जय भारत।